नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ना चेयरमैन डॉक्टर जी आर चिंतला, नाबार्ड गुजरात ना रीजनल चीफ जनरल मैनेजर डी के मिश्रा, मुंबई ना रीजनल चीफ जनरल मैनेजर देबाशीष पागी, जनरल मैनेजर सरस्वती जी सहित नाबार्ड नी टीम पाटण जिला नी मुलाकाते आवी पहुंची हती। त्यारे नाबार्ड डीडीएम राकेश वर्मा, बनास बैंक ना जनरल मैनेजर अशोक चौधरी बनासकांठा में बनास डेरी नी मुलाकात, त्यारबाद मां अंबाना दर्शन करी तेओए पाटण जिला ना सरहदी विस्तार शांतलपुर नी मुलाकात लीधी हती। तेमणे शांतलपुर खाते शांतलपुर विविध सरकारी मंडळी ना नाबार्ड ना सहयोग थी नवीन 40 लाख ना खर्चे बननार प्रोसेसिंग युनिट नु शिलान्यास कर्युं हतुं। आ उपरांत शांतलपुर विस्तार में नर्मदा ना नीर आववाथी खेडूतोनी आगामी जरूरियातोने चकासी हती। तेमणे अहींया स्थानिक कक्षाए महिलाओं द्वारा थता भरत गूंथणना कामने पण बिरदावी आ प्रवृत्तिने वेगवान बनाववा नाबार्ड तरफथी सहयोग आपवानी खातरी आपी हती। स्थानिक महिलाओंना समूहमां OFPO कंपनी बनावशे तो नाबार्ड तेमने तालीम आपी आर्थिक रीते मददरूप बनशे अने 3 वर्ष सुधी नाबार्ड ग्रांट आपी तेने पायामांथी ऊभी करी बजार सुधी लई जशे। तेमणे स्थानिक महिला अग्रणी पशीबेन पासे तेमना आ कामनी माहिती मेळवी हती। तेमणे शांतलपुर तालुकानी विविध मंडळीओना खेडूतोने खेती काममां सस्ता दरे ट्रेक्टर, रोटावेटर सेट तथा खेडूतने आपीने प्रस्थान करावा लीली झंडी आपी हती। ત્યારબાદ તેમણે બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીના વર્ણોસરી ખાતે આવેલા જીરા પ્રોસેસિંગ યુનિટની મુલાકાત લીધી હતી। માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીને ઘોષણા કરી દીધા કિસાનો કો 2022 તક ઉનકા ઇનકમ ડબલ હો જાયેગા કરકે ઓર યે ઇસમે બહોત સા કામ હો રહા હૈ ઓર ઉસમે દેખ લીજીએ જૈસા એક ફસલ મે એક નયા वेराइटीस लाना वो भी एक काम हो गया। और उनके साथ मार्केट में रेट्स अभी आप ले दिए प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा 2-3 साल में MSP रेट्स हर एक चीज़ को इतना बढ़ा दिया। तो आज का दिन है तो पिछले 3-4 साल से देख लिया तो आज का दिन एक्चुअली MSP बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका वजह से किसानों का फ़ायदा भी हो गया। और उनके साथ ये ग्रामीण इलाकों में ही एक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाना, कोल्ड स्टोरेजेस हो, ड्राई स्टोरेजेस हो, मशीन्स हो, प्रोसेसिंग को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लास्ट ईयर घोषणा कर दिया दैट वो आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का हो जाएगा। और ये 1 लाख में 10,000 करोड़ एक साल पहले साल, देन उसके बाद 30,000 करोड़ रिमेनिंग 3 साल में है। और ये स्कीम को लेके नाबार्ड ने अपना एक नया स्कीम बनाया और दोनों को हम मिला के एक नया स्कीम पैक्स एज MS स्कीम लेके आया था।